जो बरी हो रहे हैं वो उनका मतलब फेट है, बाकी जिसको लगा है मतलब कार के अंदर जो लोग आए उनके साथ में और थोड़ा जस्टिस होना चाहिए था, जैसे कि उनको पर्सनल इंजरी हो चुकी है और फैमिली लॉस हो चुका है तो उनके लिए इनजस्टिस है, लेकिन एज ए ह्यूमन बींग कोई बरा रहा तो अच्छी बात है, मतलब किसी को सज़ा नहीं हो रही है। सलमान इतने बड़े एक्टर हैं, कुछ तो मतलब सज़ा उन्हें मिलनी चाहिए, मतलब उन्हें खुद ही जाना चाहिए एक्चुअली, वॉलंटियर करना चाहिए, मतलब की है तो ये तो थोड़ा बचपना जैसे लग रहा है कि ये आपने सब मतलब सैंपल ब्लड सैंपल नहीं मिल रहे हैं, ये वगैरह नहीं मिल रहे हैं, कुछ तो हकीकत उन्हें भी पता है, थोड़ी तो सज़ा उन्हें 1-2 साल तो कम से कम कर लेनी चाहिए। देखिए, अगर देखा जाए उस दिन के फैसले जब आए थे उसमें डायरेक्ट ये जज ने लिखा है कि जांच जो है सही तरीके से नहीं हुई, इसमें डॉक्यूमेंट छिपाए गए, तो अगर सही ढंग से उसकी जांच हो फिर से अपील करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी का जान चला जाए और आम आदमी जो मेन आदमी है और अच्छे अच्छे लोग बचते जाएं, तो इस तरह से एक बहुत बड़ा एक कानून बन जाएगा कि भाई कुछ भी करो कुछ भी होने वाला नहीं है। तो इसके लिए इसका रीचेकिंग करके फिर से डायरेक्ट जज ने उस दिन फैसला दिया देते हुए लिखा है कि सही तरीके से जाँच न होने के कारण मुझे सबूत सही नहीं मिला, इसके लिए उसके एवज में मेरे को छोड़ना पड़ा, बराबर। तो इस तरह से इस आधार पर ये क्लू दे दिया जज ने कि इसी आधार पर हम दूसरा दाखिल कर सकते हैं, तो हमारी राय है कि ये होना चाहिए, फिर से उसका जांच होना चाहिए और जो आदमी मरा उसका कंपनसेशन मिलना चाहिए। मेरा राय तो ये, अगर पहले तो ये केस फिर से रीओपन होना चाहिए, एवरीथिंग शुड बी ट्रीटेड फेयरली, एंड बेस्ट थिंग इज़ इफ देर आर एनी डिस्क्रिपेंसीज इट शुड बी अगेन यू नो टेकन टू द कोर्ट एंड मैटर शुड बी टेकन केयर ऑफ वेरी सीरियसली, बिकॉज ही इज़ अ पब्लिक पर्सनैलिटी एंड आई एम श्योर लॉट ऑफ एक्ट्स दैट ही डज इज इम्पैक्टेड, और यू नो काफ़ी चीज़ें वो जो करते हैं इट इज़ फॉलोड बाई मैनी पीपल, ही इज़ अ रोल मॉडल फॉर मैनी ऑफ पीपल, सो ही शुडंट बी डूइंग दैट, दैट्स द थिंग। जो प्रूव होगा वो बात की बात है, बट केस शुड बी रीओपन वंस अगेन।